तो हम फैमिली को क्यों समझाने की बात करते हैं, हम फैमिली को क्यों समझाते हैं? पेशेंट इमीडिएटली समझेगा नहीं। क्यों नहीं पेशेंट समझेगा? उसका दिमाग इमीडिएटली शांत। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये वन लाइन में बैठ जाइए प्लीज, कोई बात नहीं, आप बैठ के भी बोल सकते हैं। जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि पेशेंट को ब्रेन की बीमारी है, यानी कि उसका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसकी मत सही तरीके से काम नहीं कर रही, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैमिली की हो जाती है। इसलिए हम फैमिली को समझाते हैं कि पहले आपने सीखना है बीमारी के बारे में, आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट क्या है और उसमें हमारा रोल क्या है। मान लीजिए आप हार्ट के अस्पताल में जाते हैं और आपके पेशेंट की सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी, तो उसमें डॉक्टर हमेशा फैमिली को बुलाकर बोलता है कि देखो घर जाके ये बातों का ध्यान रखना, राइट? हमें डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देता है, ऐसा खाना देना, स्ट्रेस नहीं देना, अभी कुछ लोगों को ज़्यादा मिलने नहीं देना, इस तरह से हमें हिदायतें दी जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक बीमारी है और इस इलाज में फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर मान लीजिए एक हड्डी टूट जाती है हमारे पेशेंट के टांग की, तो वो चल नहीं सकता, तो फैमिली उसको सपोर्ट देती है, फैमिली उसका काम करती है, उसका ध्यान रखती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पेशेंट के दिमाग की हड्डी सोच लो आप टूट गई है, उसकी समझ काम नहीं कर रही है, तो फिर अपना दिमाग कौन इस्तेमाल करेगा? फैमिली, ठीक है? इसलिए फैमिली का इस ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैमिली को पहले ये सीखनी पड़ती है, जो हॉस्पिटल आने से पहले फैमिली नहीं मानती है, फैमिली को लगता है अगर पेशेंट डिप्रेशन में है तो वो जानबूझ के बैठा हुआ है, वो कुछ करना नहीं चाहता, वो हर हरामी कर रहा है, वो लेज़ी है, वो अपनी विल पावर नहीं यूज़ कर रहा। अगर पेशेंट एडिक्शन में है तो फैमिली कहती है ये खुद, इसने खुद अपने आप को फंसाया है, ये जानबूझ के कर रहा है, या इसकी दोस्तों ने लगा दी है, या सोसाइटी ख़राब थी। मगर हम कभी भी इसको बीमारी के स्पेक्ट्रम में नहीं देखते हैं कि ये एक बीमारी है। तो सबसे पहले फैमिली को डू में क्या लिखा है, क्या करना है, मानना है कि ये बीमारी है। और जब बीमारी हम बोलते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हट जाती है, कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो, आप किसी भी शहर को बिलोंग करते हो, बीमारी सबके लिए सांझी होती है, कॉमन, ठीक है? तो हमने ये मानना है कि इनको बीमारी है, हमारे पेशेंट को बीमारी है, और क्योंकि हमें नहीं पता था तो हम अपनी स्किल्स यूज़ कर रहे थे, अपने हम नुस्खे यूज़ कर रहे थे। हम क्या क्या घर में यूज़ करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए? कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस जैसे, अच्छा इसे ये बुखार हुआ है, चलो यहाँ कहीं से सुना, इसको ये काढ़ा बना के दे दो, है ना? हम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं हम यहाँ आने से पहले? लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, और क्या करते हैं? ब्लैकमेल करते हैं पेशेंट को, और यस हम जाते हैं इधर उधर, बाबे के पास जाते हैं, और क्या करते हैं? मतलब जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं हम करते हैं। बहुत कॉमन उपाय ये भी है कि अच्छा पेशेंट यंग है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। तो अगर यंग पेशेंट शादी करके ठीक हो जाते हैं, तो जो हमारे बेचारे ओल्ड पेशेंट हैं वो, उनकी दोबारा शादी कर दी जाए? ट्रीटमेंट तो यही हुआ ना, फिर नुस्खा तो यही हुआ। या फिर आप उसको काम खोल के दे दो, उसको बाहर भेज दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब बीमारी की नज़र से हम देखते हैं तो ये सब फेल हो जाती है। सो बीमारी के लिए क्या कराना होता है, किसके पास आना होता है? स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, डॉक्टर। और जब हम डॉक्टर के पास क्यों आते हैं?
क्योंकि हमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती, हमें पता नहीं होता ये क्या है, इसलिए हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब हमें हॉस्पिटल में आके किसकी सुननी चाहिए, जो हम अक्सर नहीं सुनते हैं। हम यहाँ पर भी बैठ के अपने प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो आज जिन बातों पे मैं शेयरिंग और फोकस करना चाहती थी वो ये थी कि यहाँ आने से पहले हम इनेबलिंग बहुत करते हैं, हमारे घरों में इनेबलिंग बिहेवियर्स होते हैं बहुत। इनेबलिंग आप समझते हैं, बढ़ावा देना किसी भी चीज़ को। मान लीजिए एक छोटे से बच्चे ने चोरी करी, उसने चुपके से कहीं से टॉफ़ी उठा ली, और उसको बजाय समझाने के या कुछ करने के हम फैमिली आसपास हंसने लगे, या फिर उसने कोई अब्यूज़ कर बोल दिया, उसने तोतली ज़ुबान में कुत्ते को तुत्ता बोल दिया, तो हम हंसते हैं, देखो कैसे बोल रहा है ना, कितना क्यूट लग रहा है। तो अब बच्चे को नहीं पता कि वो एक गलत चीज़ बोल रहा है, उसको जब तालियों की आवाज़ आस पास में सुनी, सब हंसे, सब ने रीइंफोर्स किया कि कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो जाहिर है वो बार बार कुत्ता बोलेगा, बार बार वो वर्ड यूज़ करेगा। तो इनेबलिंग का मतलब है जब हम अपने किसी भी नियर एंड डियर वन, किसी भी फैमिली मेंबर की अनहेल्दी जो हैबिट होती है, बिहेवियर होता है, उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे पेशेंट ने गुस्सा किया, फैमिली मेंबर ने गुस्सा किया, हमने समझाया नहीं, हमने बोल दिया ये तो इसकी आदत है। अगर पेशेंट हमें पता है कि पैसे लेकर जा रहा है और उसने नशा करना है, फिर भी हमने पैसा दे दिया, तो हमने इनेबल किया। इनेबलिंग को डिजीज़ में, ट्रीटमेंट में हम इस तरह समझते हैं कि अगर हम पेशेंट की बीमारी को किसी भी तरीके से बढ़ावा देंगे तो वो फैमिली का अनहेल्दी और वीक एक्शन होगा। और हमने, अगर हम अपना अपना एग्जाम्पल लें, तो हमने कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ाया होता है। कैसे कैसे हम फैमिली को इस बीमारी को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट बीमार है और हम कहते हैं कि पेशेंट का जो लिम्बिक सिस्टम है, जो उसका जानवर दिमाग है, अगर जानवर दिमाग से ज़िद आ रही है, जानवर दिमाग से गुस्सा आ रहा है, जानवर दिमाग से जो भी चीज़ आ रही है, अगर फैमिली उसमें अपना तालमेल रख रही है, फैमिली भी हाँ में हाँ मिला रही है, तो आप अपने पेशेंट का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसका दिमाग तो बीमार है, उसके बीमार दिमाग से नेगेटिव थॉट आ रहा है, ज़िद आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और अगर हम भी उसको रीइंफोर्स करेंगे तो हम इनेबल करेंगे। इस तरह से जो हमारे पेशेंट का जानवर दिमाग है वो और ताकतवर हो जाता है। बिल्कुल, दूसरे उसी पे आ रही हूँ सर, उसी पे आ रही हूँ। जब हमारे घर में नया नया हमें पता चलता है ना कि ये बीमारी आ गई, ठीक है, तो अपनी तरफ से, अच्छा मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड एडिक्शन में है और वो अल्कोहल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अब रोकने से पहले मैंने क्या किया कि चलो शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करूँगी, या मैं और ध्यान रखूँगी, या मैं इनको छोटी छोटी परमिशन दे दूँगी, या मैं खुद ही ग्लास में पैग लगा के अपने आप दूँगी कि चलो थोड़ा सा पी लेंगे, तो उसमें हाँ जो भी चीज़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, तो वो शायद मेरे लिए प्यार थी, मगर मैं अपने हस्बैंड की बीमारी को बढ़ावा दे रही थी। अगर मेरे हस्बैंड एडिक्शन में, नशे की हालत में कुछ नेगेटिव एक्शन करते थे, वीक एक्शन करते थे, तो अगर मैं उसको छुपा देती थी तो मैं इनेबल कर रही थी, मैं बीमारी को इनेबल कर रही थी। तो फैमिली पहले यही करती है सर, जब फैमिली को पता चलता है, बड़ा प्यार से समझाते हैं, उसको किसी तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि शायद इन बातों से वो मान जाए, मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा किसी घर में नहीं होता। जिस भी घर में एडिक्शन है उसमें सिर्फ बीमारी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। और जब हम थक जाते हैं,
जैसे मैं करते करते थक गई, मैंने समझा भी लिया, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी? जब एक पर्सन थक जाता है वो क्या करता है फिर? नहीं, फिर वो गुस्सा करता है। जब मैं थक गई तो फिर मैंने बिल्कुल डिफरेंट चीज़ सेकंड कर ली, प्रोवोकिंग शुरू कर दी, भड़काना, तुमने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी, तुम तो हो ही गलत, है ना, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, तुम कोई कदर नहीं करते, तुम जानबूझ के कर रहे हो, तुम अपने मज़े के लिए कर रहे हो, ठीक है, मैं डिवोर्स दे दूँगी, छोड़ के चली जाऊँगी। तो या तो मैंने इनेबलिंग करी खुश करने के लिए, या फिर जब मैं थक गई, क्योंकि मेरा भी दिमाग है, मेरा भी शरीर है, जब मैं थक मुझे भी गुस्सा आएगा, तो वो सारा मैंने अपने पेशेंट पर निकाल दिया। मगर दोनों ही सूरतों में मैंने रियलाइज़ किया, ना इनेबलिंग काम आई ना प्रोवोकिंग काम आई। इसीलिए जब फैमिली अस्पताल में आ जाती है, बैठती है, तो हम फैमिली को यही बोलते हैं कि सबसे पहले तो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बंद करो। जैसे आपका पेशेंट अगर गुस्से से बोलता है अपनी माँ को रात को 11 बजे, अभी जा नीचे से जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आ, ये कर वो कर, तो वो जो अग्रेशन दिखा रहा है, वो जो गुस्सा दिखा रहा है, अगर आप वो करोगे तो आपने और बढ़ा दिया बीमारी को, तो उस टाइम फैमिली क्या करे? ये वाली चीज़ फैमिली सीखती है कि फैमिली को टफ लव करना है और असर्टिव होना है। तो जब अगर आपका पेशेंट सो नहीं पा रहा, या विड्रॉल्स आ रहे हैं, या अगर वो खाना नहीं खाता, और हम आपको बोलते हैं कि पैनिक मत करो, डॉक्टर ड्रिप लगा देगा, कुछ नहीं होगा उसको, हम कितना घबराते हैं। विड्रॉल इस बीमारी के ट्रीटमेंट का हिस्सा है। पेशेंट को जब नशा नहीं मिलेगा उसको तोड़ बजेगी, तोड़ जब होगी तो उसको तकलीफ होएगी। अब उसकी तकलीफ़ को देख के अगर हमको तकलीफ़ होएगी तो हम तो अपने पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी छोटी सी तकलीफ़ दिख रही है मगर हमें इतनी बड़ी बीमारी नहीं दिख रही जिसमें वो मौत के साथ खड़ा है। आप समझ पा रहे हैं ये बात? इसलिए हमें टफ लव शो करना है, और टफ लव का मतलब होता है कि स्पष्ट रूप में टफ लव और असर्टिव होके स्पष्ट रूप से अपने पेशेंट को एक मैसेज देना जो यहाँ आने से पहले हम कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम घर में इतना घबराए होते हैं, इतनी दहशत होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे होते हैं, और हम डर के मारे सबसे ज़्यादा पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें अपना इलाज कराना पड़ेगा, कि ये बीमारी एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बीमारी को इस घर में हम और पनपने नहीं दे सकते। तो इसलिए हम जब यहाँ पे हॉस्पिटल में फैमिली को बिठाते हैं तो फैमिली को बोलते हैं, बोलो कि हम इलाज के लिए आए हैं, क्यों डरते हो आप? ये टफ लव होता है कि आपने स्पर्श रूप में पेशेंट को कन्वे करना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम बीमारी के साथ नहीं हैं, तुम्हारा साथ हम जिंदगी भर देंगे मगर बीमारी का नहीं, तुम्हें हम इस बीमारी में ख़त्म होता नहीं देख सकते, हमें दुख होता है। इसमें कोई गलत बात है? इसमें कोई गलत बात नहीं है ना, मगर ये हम कहने से डरते हैं। फैमिलीज बोलती हैं, नहीं नहीं आप कह दो, आप ही ले जाओ हर्मिटेज, हम पेशेंट के सामने नहीं जाएंगे। क्यों? ये आपको आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये इलाज का हिस्सा है। अगर आप माँ बाप होकर, फैमिली होकर पेशेंट को नहीं बोलोगे, हमसे पेशेंट का क्या रिश्ता है? हमारी बात वो क्यों मानेगा? अल्टीमेटली वो आपकी फैमिली है, वो आपसे प्यार करता है, उसको भी फैमिली की ज़रूरत है। तो टफ लव फैमिली को यहाँ बैठ के सीखना पड़ता है, क्योंकि इतना डर आ गया होता है फैमिली के अंदर कि वो ऑनेस्टली और सही तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं करती है पेशेंट को। जैसे सर बोलते हैं, या हम चुप रहते हैं या हम वायलेंट होते हैं, या साइलेंस या वायलेंस। हमें हेल्दी कम्युनिकेशन करना नहीं आता, बातचीत करनी नहीं आती,
और दिल दिल में वही मैसेज होता है, दिल कह रहा होता है इसको बोलूं बस, दिल बोल रहा होता है इलाज कराने को, मगर ये शब्द हम उसको बोल ही नहीं पाते। तो टफ लव हॉस्पिटल में ये है कि आपका पेशेंट जो मर्जी बोले, थ्रेट करे, ब्लैकमेल करे, कुछ भी करे, मगर आप उसको इलाज में रखो। टफ लव वो है कि जब आपका पेशेंट एक दो दिन चलो मर्जी से आ गया, दूसरे तीसरे दिन जब उसको क्रेविंग आएगी, जब उसकी तलब वापस आएगी, तो वो उसको ट्रीटमेंट से बाहर निकालने को होगी, खींचेगी बाहर, उस टाइम फैमिली को आके उसको रोकना है, एक्सपर्ट्स की मदद से, दवाइयों की मदद से, ट्रीटमेंट की मदद से, तभी हमारा फैमिली होने का फायदा है। जैसे आपने कहा कि बस बेटा, बस मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, माँ बोलती है बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो अगर आप ये चाहते हैं तो ये फैमिली को सीखना पड़ेगा। खाली टफ भी नहीं हो सकते और खाली लव भी नहीं चल सकता। जहां पे पेशेंट का नुकसान है वहां ना करना सीखना, ये सबसे मुश्किल काम है फैमिलीज के लिए।